हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आईक्यू आई एम श्रमित श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ बदलाव लाने की जरूरत है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में इसके लिए यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने एक कमेटी फॉर्म करी है और ये कहा गया है कि ये कमेटी इसमें कुछ रिकमेंडेशन करे जो जरूरी हैं आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स को इफेक्टिव बनाने के लिए नाउ एडीआर मैकेनिज्म क्या होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये इसका मतलब होता है कि आप जो है कोर्ट के बाहर समझौता कर रहे हो ठीक है आपस में आप कोर्ट के बाहर ही आ, केस को सॉल्व कर रहे हो तो आउटसाइड दी कोर्ट अगर कोई भी पार्टी सेटलमेंट करती है एडीआर मैकेनिज्म से दैट इज बाय आर्बिट्रेशन और बाय कंसिलेशन और यू कैन से बाय लोक अदालत उसको हम कहते हैं कि एडीआर, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अब इस मैकेजम में बेसिकली किया क्यों जाता है ताकि कोर्ट का कोर्ट में पार्टीज का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो ठीक है क्योंकि हमें पता है कि जनरली अगर आप सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट डालते हो तो बहुत टाइम लगता है तो वो टाइम बचाने के लिए पार्टीज का यहाँ कहा जाता है कि पार्टीज जो है बाहर कोर्ट के बाहर ही समझौता कर ले इस मैकेनिज्म द्वारा राइट तो अब यहाँ पे जो इफेक्टिव बनाने के लिए आर्बिट्रेशन को या फिर कंसिलियन प्रोसीडिंग्स को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ रिकमेंडेशनस के लिए कहा है

इसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ पे दिन में आपकी दो क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं एक सी सी और एक एस की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं तो अगर आप जनवरी सीरियसली किसी भी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं तो जल्दी से जाके एनरोल करें इस लाइफ फाउंडेशन बैच में इस लाइफ फाउंडेशन बैच में है बहुत सारे यूनिक फीचर्स जैसे कि हम प्रोवाइड करते हैं आपको हैंड रिटन नोट्स लेक्चर नोट्स आपको डेली एम की प्रैक्टिस कराई जाएगी और साथ में एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा इस पूरी जर्नी में और अगर आप इनरोल होना चाहते हैं इस लाइफ शन बैच में तो जल्दी से जाके एनरोल करें लास्ट डेट है ट्वेंटी जून उससे पहले आप इनरोल हो सकते हैं और डो नॉट थिंक कि जो क्लास आपकी मिस हो गई है वो आप कैसे कंप्लीट करोगे उसके लिए आपको सारी ही क्लासेस का रिकॉर्डेड फॉर्म आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा तो जल्दी से जाके इनरोल करें बहुत कम टाइम बचा है यूज़ करें प्रोमो कोड श्री लाइव फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट सिर्फ इसी कोड से मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट एंड आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे तो टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्री श्रीवास्तव के नाम से सिमिलरली इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम यूज़र नेम

वो जो है रिफॉर्म्स लाएगी इस पर्टिकुलर एक्ट में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में रिकमेंड करेगी कुछ रिफॉर्म्स राइट एंड एग्जामिन करेगी कि किस तरीके से आर्बिट्रेशन हमारी कंट्री में वर्क करता है क्या फंक्शंस है हमारे आर्बिट्रेशन लॉज के हमारे कंट्री में उस चीज को एग्जामिन भी करेगी और उसको एग्जामिन करने के बाद कुछ रिफॉर्म्स भी सजेस्ट करेगी तो लॉ मिनिस्ट्री ने यहां पे कॉन्स्टिट्यूट करी है 16 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी जो हेड होगी आपकी बाय टी के विश्वनाथन और जो फॉर्मर सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल सर्विस लीगल अफेयर्स के एट द सेम टाइम डी के सिंह जो सी सी ए डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स विल बी एक्टिंग एज ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी राइट तो पे हेड होगी इनके द्वारा और ये कन्वीनर होंगे इस कमेटी कमेटी के तो so, मेंबर्स की एक्सपर्ट बनाई है यूनियन लॉ मिनिस्टर ने एग्जामिन करने के लिए कि, कि किस तरीके से आर्बिट्रेशन लॉ हमारी कंट्री में फंक्शन करता है और कहा गया है कि आप जो है इस पे हमें रिकमेंड करें कुछ रिफॉर्म्स राइट नाउ पे जो कमेटी है उनसे ये एंटिसिपेटेड है कि वो अपनी

कोर्ट में उनका टाइम बचाया जा सके उनके पैसे बचाए जा सके कॉस्ट इफेक्टिव हो और उनका जो है जो सूट है वो सेटल कर दिया जाए आउटसाइड दी कोर्ट राइट इजी मैकेनिज्म से ईजी प्रोसीजर को फॉलो कराकर उनके पूरे डिस्प्यूट को सॉल्व करा दिया जाए साइड कोर्ट राइट नाउ अब क्या क्या, -क्या चीजें उनसे कहा गया है किन किन चीजों पर रिकमेंडेशन मांगी है या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है उसके रिस्पेक्ट में किन किन चीजों पर काम करेगी वो यहाँ पे टेन पॉइंट्स में दे रखे हैं सबसे पहला इवेलुएट करेगी और एनालाइज करेगी कि किस तरीके से हमारे देश में आर्बिट्रेशन लॉ जो है ऑपरेट होता है इंक्लूडिंग द वर्किंग ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 साथ में उनको हाईलाइट करना होगा कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है और क्या चैलेंजेस ही पर्टिकुलर एक्ट फेस कर रहा है कंपैरेटिवली टू द इंपॉर्टेंट फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शंस ठीक है uh, इट्स बाकी फॉरन आर्बिट्रेशन की चीजों को भी देखकर यहां पे उनको ये चीजें हाईलाइट करनी होंगी इस कमेटी को फर्स्ट पॉइंट सेकेंड इज रिकमेंड अ फ्रेमवर्क ऑफ मॉडल आर्बिट्रेशन सिस्टम विच इज इफेक्टिव इफिशियंट इकोनॉमिकल एंड केटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूज़र अब यहाँ पे इनसे कहा गया है कि मॉडल सिस्टम भी आप प्रिपेयर करें और हमें करें जो आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो इफिशियंट हो ज्यादा अच्छा हो और इकोनॉमिकल भी हो और वो सारे नीड्स जो भी नीड्स है यूजर की उसको केटर भी करें ठीक है थर्ड इज टू डि स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग अम्पिटेटिव इन्वॉर्मेंट इन दर्बिट्रेशन सर्विसेस यहां पर उन्होंने कहा कि वो कुछ स्ट्रेटेजीज बताए कुछ स्ट्रेटीज रिकमेंड करे ये एक्सपर्ट कमेटी जो डेवलप कर सके कॉम्पिटिशन अमंग दर्बिट्रेशन सर्विस मार्केट फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पार्टी दैट सर्व सर्व इंटरेस्ट ऑफ द यूजर ठीक है जो so, इंटरेस्ट भी सर्व करे और एक तरीके से कॉम्पिटेटिव इन्वाट करे राइट नाउ पर्टिकुलरली इन बिल्डिंग ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव आर्बिट्रेशन थ्रू आर्बिट्रेशन प्रोफेशनल्स की भाई एक कॉस्ट इफेक्टिव आर्बिट्रेशन प्रोसेस ला के दें इस तरीके का कोई भी रिफॉर्म uh, सजेस्ट करें या फिर जो चेंजेस सजेस्ट करें इस तरीके से ये कमेटी सजेस्ट करें राइट प्रपोजेस मेज टू फास्ट ट्रैक इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड बाई सजेस्टिंग मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू सेटिंग अवार्ड एंड अपील सो एजूड फाइनलिटी टू दी आर्बिट्रेशन अवार्ड अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो सजेस्ट करेगी कमेडी जो है वो कुछ मेजर्स बताए ताकि बहुत

मीन्स टू मिनिमाइज रिकॉर्ड जुडिशियल अथॉरिटीज और यू कैन से कोर्ट इन आर्बिट्रेशन सेंट्रिक डिस्प्यूट रेजोलूशन मेकानिज्म कुछ रिकमेंड करें कुछ स्ट्रेटरी मीन्स भी कुछ बताए ताकि पार्टीज को कोर्ट ना जाना पड़े और उनका जो है मैटर आर्बिट्रेशन में ही सॉल्व हो जाए उनके डिस्प्यूट जो है आर्बिट्रेशन में ही अच्छे तरीके से सोल्व हो जाए जल्दी सोल्व हो जाए ठीक है स्पीडी तरीके से आपको रेमेडी मिले तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा कि रिकमेंड करें कुछ भी स्टैटरी मीन्स ताकि मिनिमाइज हो कि कोर्ट ना जाना पड़े ठीक है मिनिमाइज रिकॉर्स टू जुडिशियल अथॉरिटीज और यू कैन सो इन दी कोर्ट इन आर्बिट्रेशन केस तो आर्बिट्रेशन केस में उनको कोर्ट को इंटरफेयर ना करना पड़े कोर्ट का जुडिशल इंटरवेंशन ना रहे इसके लिए कुछ आप जो है हमें रिफॉर्म uh, सजेस्ट करें या फिर कुछ भी अपने uh, जो एक्सपर्ट कमिटी है ये कुछ आइडियाज दें सजेस्ट करें कुछ स्टेटोरी मीन्स ताकि जुडिशियल इंटरवेंशन कम हो राइट आर्बिट्रेशन के मैटर में नॉट ओनली यहाँ पे कहा गया कि सजेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर मिनिमाइजिंग रूटीन चैलेंजेस टू आर्बिट्रेशन अवॉर्ड बाय गवर्नमेंट इन डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग देम तो यहां पर उन्होंने कहा कि मिनिमाइज करना जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ठीक है जब जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने कहा कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म भी सजेस्ट करे ये एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंड करे कुछ प्रिंसिपल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कि हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे आर्बिट्रेशन की कॉस्ट उसके रिस्पेक्ट में भी कुछ प्रिंसिपल हमें सजेस्ट किए जाएं एंड एट द सेम टाइम रिकमेंड करें कुछ प्रिंसिपल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ फीस ऑफ द आर्बिट्रेटर्स कि आर्बिट्रेटर्स की फीस कितनी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए उसके रिस्पेक्ट में भी कुछ गाइडलाइंस बताएं या फिर कुछ प्रिंसिपल्स हमें रिकमेंड करें इस पर्टिकुलर केस में राइट right? रिकमेंड करें एक चार्टर ऑफ ड्यूटीज फॉर गाइडेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल पार्टीज एंड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे बताया कि कुछ गाइडलाइंस बताएं इनके लिए भी कि किस तरीके से uh, एक ड्यूटीज का एक चार्टर बना दें फॉर द गाइडेंस ऑफ द पार्टीज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और यू कैन से आर्बिट्रल उन्होंने बताया कि एग्जामिन करें फिजिबिलिटीट लॉस फॉर डोमेस्टिकेशन एंड इंटरनेशनल एंड फॉर दसमेंट ऑफ सर्टन फॉरन अवॉर्ड कोट लॉ डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन uh, के लिए तो उस पर्टिकुलर केस में भी कुछ सजेशन दे पर्टिकुलर कमेटी तो ये सारे चेंजेस ये सारी जो है uh, इन सारी चीजों में चेंजेस लाने के लिए सजेशन देने के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए ये एक्सपर्ट कमेटी

परचेज कैसे करना है I would like to show you that. आपको वेबसाइट पे जाना है जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे यू कैन सी कि यहाँ पे आपको लाइफ फाउंडेशन बैच दिखेगा फोर्टी थाउजेंड रुपीज का अगर आपको एनरोल होना है मैक्सिमम डिस्काउंट में तो बाय नाउ पे क्लिक करें अप्लाई करें प्रोमो कोड श्री लाइव एस एच आर आई एल आई वीई जैसे ही आप अप्लाई करेंगे प्रोमो कोड श्री लाइव आपको ये कोर्स मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पे चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में नाउ नौ यो कोर्स है इसकी वैलिडिटी ट्वेंटी फोर मंथस है मतलब आपके पास ये कोर्स वैलिड रहेगा दो सालों के लिए जहां पे हम एक साल में आपका पूरा कोर्स कवर अप कराएंगे और अगले एक साल के लिए आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा इस लाइफ फाउंडेशन बैच में है यूनिक फीचर्स जैसे कि आपको हैंड रेटर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे डेली एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप सेल्फ इवेल्युएट कर सकें और साथ में एक मेंटर भी दिया जाएगा जो आपकी इस पूरी जर्नी में हेल्प करेगा सो so, अगर आप इनरोल होना चाहते हैं या आप सीरियसली किसी भी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं तो यूज करें प्रोमो कोड स्ट्री लाइफ फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट थैंक यू